आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम देखेंगे इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट व्हाट आर एंड ड्रॉप कैप के बारे में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखेंगे क्या है टेक्स्ट बॉक्स। आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ बने बनाए डिज़ाइन हैं। आप जिसको लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे, वही डिज़ाइन आपका पेज के अंदर आ जाएगा। जैसे कि हम इस वाले को इसमें क्लिक करेंगे, आपका देखेंगे पेज के अंदर आ गया है। लेकिन जैसे ही हम इस पर कहाँ पे पेज के अंदर लाते हैं, वैसे ही आपका एक व्यू के बाद फॉर्मेट का ऑप्शंस आता है। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा दिखाएगा कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, कौन सा डिज़ाइन लेना चाहते हैं, वह आप ले सकते हैं। हम किसी एक पे क्लिक कर देंगे, ये आपका देखेंगे अभी आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे क्या है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका देखेंगे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है शेप फिल। शेप फिल समझ में आ रहा है, कोई कलर देना चाहते हैं फिल यानी कि अंदर, तो यहाँ से आप कोई कलर दे सकते हैं। जैसे कि हम कोई एक कलर ले लेते हैं यहाँ से। ऐसे आउटलाइन के अंदर आपको कलर चाहिए तो आप यहां से आउटलाइन के अंदर कलर ले सकते हैं, जो आपका यहां पर ऑप्शंस है। इसके बाद क्या है चेंज शेप। अभी देखेंगे क्या है आपका पूरा गोल है राउंड है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारा डिज़ाइन है, आप किसी एक पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम इसके अंदर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे आपका जो बॉक्स है वो आपका चेंज हो गया है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि क्या हो शेडो हो, शेडो मतलब कि जो साइड में परछाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का ये आपका शेडो है। कहाँ से लिया हमने शेडो इफ़ेक्ट से। ऐसे ही आप किधर चाहेंगे देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये यहाँ से ज़्यादातर आपका जोन सा आपको चाहिए। या ऐसे आप चाहते हैं कि शेडो का कोई कलर हो तो आप यहाँ से शेडो का कलर भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए जिस पर आपका कर्सर होगा वही शेडो का कलर आएगा। इसके बाद 3D, आप चाहते हैं कि ये जो आपका बॉक्स है 3D में बन जाए तो आप यहाँ पे जोन सा बॉक्स चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे, ये आपका देखेंगे 3D बॉक्स बन गया है। इसके बाद आगे पोजीशन है ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपका आपने देख लिया था बहुत आसान है। किसी चीज़ के पीछे भेजना है, किसी चीज़ के ऊपर भेजना है तो इसके बारे में। इसके बाद लास्ट वाला क्या है साइज़ के लिए, ये देखेंगे आपका साइज़ बढ़ रहा है। ऐसे नीचे क्लिक करेंगे आपका क्या है साइज़ छोटा हो रहा है। फिर ऐसे क्या है विथ हाइट, ये दोनों के ऑप्शंस है। कहाँ से आपका लास्ट वाला, ये आपने देखा कहाँ पर है इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। ये बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट का मतलब क्या है, आप कोई चीज़ बार बार लिखना पड़ रहा है, मतलब कि आप चाहते हैं कोई मैटर है जिसको बार बार आपको टाइप करना पड़ रहा है तो आप चाहते हैं कि हमें एक ही मर्तबा लिखें बाकी हम ना लिखें, या उसका क्या है सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज कर दें, जैसे ऑफिस का नाम चेंज कर दें, या फिर ऐसे आपका जो डेट है वो सिर्फ चेंज कर दें और बाकी जो भी मैटर है वो सब हम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या आता है क्विक पार्ट्स। तो अब क्विक पार्ट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्विक पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन है सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम आता है तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं मुंबई। फिर नीचे आ रहा है गैलरी में क्या क्विक पार्ट, हम यहाँ पे क्विक पार्ट रहने देते हैं आपका। फिर इसके बाद कैटेगरी में जनरल है तो हम यहाँ से भी जनरल रहने देते हैं, बाकी हम सीधा ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद अब क्या है हम इसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट है ही डिलीट कर दी। लेकिन हम अब चाहते हैं कि जो मैटर था वही मैटर सेम टू सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे क्विक पार्ट में क्लिक करेंगे और ये देखेंगे आपका एकदम ऊपर है। अब जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ हेड ऑफिस का नाम जैसे कि चेंज कर दीजिए, जैसे कि हेड ऑफिस अभी मुंबई, हम इसको कर देते हैं दिल्ली, बाकी मैटर हमें वही रखना है तो ये सब आपका वही रहेगा और आपका सिर्फ और सिर्फ हमने ऑफिस का नाम चेंज किया है। ये कहाँ से आपका क्विक पार्ट से। ऐसे ही आप चाहते हैं क्या कि कोई टेबल बना लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ से कहाँ से आपका इंसर्ट के अंदर आता है, हम यहाँ से टेबल ले लेते हैं। टेबल लेने के बाद आपका डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, या आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, तो हम यहाँ से कोई डिज़ाइन लेंगे, ये हमने लिया। इसके बाद क्या है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपको मालूम है। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका
सबसे ऊपर वाला ये आपको मालूम है रो है, और ये जो आपका नीचे ये इस तरह का जो हमने सेलेक्ट किया है इसको क्या बोलते हैं कॉलम। तो हम पहले सबको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमने सेलेक्ट किया, फिर कहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के अंदर जाएंगे और क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम मसलन नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टेबल, फिर यहाँ से क्या जैसा है वैसे ही रखते हैं, ओके कर देंगे। अब हम क्या है इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिए। अब जैसे कि हम क्या है चाहते हैं कि वही टेबल वही डिज़ाइन वही स्टाइल आए, तो क्या करेंगे आप क्विक पार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है टेबल तैयार है, क्लिक करेंगे ये देखिए आपका आ गया है। अब जैसे कि पहले क्या है हमें टेबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसको डिज़ाइन देना पड़ता है, ये सारा का सारा काम आपका हो जाता है कहाँ से आप देखेंगे क्विक पार्ट से, इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट। ये हमने अभी कैसे बड़ा किया है, ये आपका होम के अंदर फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है, तो ये आपका टेबल भी बड़ा हो गया है। इसके बाद क्या है इसमें और जैसे कि आपको चाहते हैं कि कहाँ पे ये जो आपका हीडर है, तो हमने यहाँ पे क्या है डबल क्लिक करके गई आपको मालूम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद हम इसको होम के अंदर जा करके इसका साइज बड़ा कर देते हैं और यहाँ से बॉल और यहाँ से कलर। अब फिर क्या है हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, और फिर यहाँ पे एमएस वर्ड नाम लिख देते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब क्या है जैसे कि हम इसको कर देते हैं डिलीट, अब हम कहाँ पे यहाँ पे नीचे डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम क्या है हीडर के अंदर वही चीज़ लाना चाहते हैं, क्या चीज़ आपका जो है इंसर्ट के अंदर जाएंगे क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका सबसे ऊपर आ रहा है एम एस वर्ड, यानी कि आपको हीडर के अंदर लगाना है, तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर जब आप सेव करके रखेंगे तब। तो ये बहुत आसान है कहाँ से क्विक पार्ट से, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है आपका, हम इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे बाहर आ गए और इसको भी शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं टेबल को डिलीट करने के लिए। अब देखेंगे क्या है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट हम उसके लिए कुछ लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद हम इसका होम में जा करके फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। अब कहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपका है वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा डिज़ाइन दिखाता है। अब जिस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है आपका ये इस तरह का फॉन्ट है, फिर ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका जो नाम है वसीम कंप्यूटर्स, ये आपका कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कहाँ से हमने किया आपका इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट से। जैसे वर्ड आर्ट हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद व्यू के बाद आपका एक फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या है एडिट टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना है या आपको डिलीट करना है या यहाँ से फ़ॉन्ट लेना है, जो आपको फ़ॉन्ट लेना है यहाँ से ले सकते हैं, फिर इसके बाद फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो जो आपको एडिट यहाँ पर अच्छा लगे वो कर सकते हैं, बोल्ड कर देंगे फिर ओके। तो ये देखिए आपका जो पहले फ़ॉन्ट था वो आपका अभी दूसरा फ़ॉन्ट हो गया। ऐसे क्या है स्पेसिंग, यहाँ पे देखेंगे क्या है सबसे ऊपर है वेरी टाइट, यानी कि आपका क्या है एकदम पूरा मिला मिला लग रहा है, ऐसे यहाँ पे टाइट थोड़ा मतलब टाइट है, और नॉर्मल जैसे करेंगे तो नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसे ही है, कहाँ से स्पेसिंग से, ठीक है। इसके बाद लॉस, लॉस में क्या होगा थोड़ा और गैप हो जाएगा ये देखेंगे, फिर इसमें और लॉस हो जाएगा, तो ये बहुत आसान है, तो हम यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करते हैं ये आप देख सकते हैं। फिर इवन हाइट, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपका क्या हो गया थोड़ा बड़ा हो गया इवन हाइट, फिर हम उसी में क्लिक कर देंगे दोबारा जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी क्लिक करके देखेंगे तो आपका क्या हो गया है आपका खम्बे की शक्ल में हो गया है, कहाँ पे ये आपका यहाँ से, फिर वापस क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएगा। फिर अलाइनमेंट, किधर रखना चाहते हैं लेफ्ट राइट सेंटर, तो यहाँ से ये आपका अलाइनमेंट के अंदर है। इसके बाद ये आपका देखेंगे यहाँ पे जो आपको चाहिए यहाँ पे इस तरह का फिर से आ रहा है, तो जिस पर क्लिक करेंगे वही आपका आ जाएगा, फिर इसको बड़ा भी कर सकते हैं खींच के अपनी मर्जी से, ये देखेंगे बड़ा भी हो रहा। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे देखेंगे शेप फिल,
यहाँ से कलर ले सकते हैं, फील का मतलब भी समझ में आ जाता है कि कलर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे चेंज शेप, शेप यानी कि देखेंगे अभी यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे अब और क्लिक करके छोड़ देंगे वो आपका क्या होगा तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका नीचे से एकदम ऊपर की तरह जा रहा है। ऐसे ही क्या है शेडो इफेक्ट, शेडो ले सकते हैं जैसे कि आपको जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे किसी एक पे ये देखेंगे सादा सैंपल सा लिया है शेडो, या आपको क्या है शेडो का कलर चाहिए तो आप यहाँ से भी शेडो का कलर ले सकते हैं आपको जो कलर अच्छा लगे, जैसे कि हमने ले लिया है कहाँ से शेडो और यहाँ पे शेडो का कलर भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपका देखेंगे इधर थोड़ा क्लिक करेंगे तो क्या होता है शेडो जो है आपका थोड़ा इधर उधर खिसक रहा है। ऐसे यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है 3D, 3D कर बनाना चाहते हैं तो आप इसको 3D बना सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपका 3D बन जाता है या आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है पोजीशन, पोजीशन मतलब समझ में आता है किधर रखना चाहते हैं, बीच में, लेफ्ट में, राइट में, तो ये आप जिधर रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं, ये आपका पोजीशन। ऐसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जब आपका एक से ज़्यादा रहेगा तो ऊपर नीचे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है अलाइन, सेंटर राइट या रोटेट, घुमाना है तो आप यहाँ से घुमा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है हाइट, ये देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका बड़ा हो रहा है, फिर ऊपर भी ये देखिए आपका चौड़ाई लंबाई में बड़ा होता है हाइट विथ। तो ये आपने देखा फॉर्मेट पूरा बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छा है। फिर हम आगे देखते हैं इंसर्ट के अंदर क्या है आपका ड्रॉप टेक्स्ट, तो अभी आपने देखा इसका काम हो गया, चाहे तो आप डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से। फिर हम टेक्स्ट जो कॉपी करके रखे थे या फिर आप जाएंगे क्विक पार्ट में वो टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, इस पर क्लिक कर देंगे ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब एक चीज़ देखेंगे क्या है ड्रॉप टेक्स्ट, अभी आपका चालू नहीं था, अभी हमने इसको चालू कर दिया है। तो आप न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर देखते होंगे कि जो पहला वर्ड है ओ, ये आपका क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो अब देखिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा कर्सर यहाँ पर है, ड्रॉप कैप के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी देखेंगे आपका क्या है नन है यानी कि नॉर्मल है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर ले आएंगे तो आपका देखेंगे जो पहला आपका ओ आ रहा है लफ्ज़ वर्ड वो आपका क्या है तीन लाइन के अंदर आ रहा है। तो आपका यहाँ पे या फिर आपका दूसरा तरीका क्या है एकदम जो ओ है वो आपका एकदम साइड में आ रहा है, कहाँ से ये कर रहे हैं ड्रॉप कैप के ज़रिए से। आप चाहते हैं कि ये आपका क्या हो जैसे कि ये वाला तरीका हो लेकिन आपका है तीन लाइन के अंदर आ रहा, आप चाह रहे हैं कि चार लाइन के अंदर आए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन पर और आपका यहाँ पर देखेंगे लाइन कितना है तीन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चार हो जाएगा, फिर ओके कर देंगे तो अभी देखेंगे आपका चार लाइन के ये आपका अंदर और आ रहा है। तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कहाँ से ड्रॉप कैप ऑप्शन से, और अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे आपका नन हो जाएगा, और अगर चाहिए तो फिर वापस ले सकते हैं ये आपका आ जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है आपका सिग्नेचर लाइन। अब जैसे कि हमें यहाँ पर जैसे कि सिग्नेचर की लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अब सामने वाले को बताना है कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, तो इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है डेट एंड टाइम, आप चाहते हैं कि डेट हो टाइम हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये आप देखेंगे क्या आ रहा है डेट और टाइम आ रहा है कहाँ से, ये आपका यहाँ से। इसके बाद आगे देखते हैं आपका क्या है सैम्बल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ रहता है TM, तो इस तरह से TM लगा सकते हैं। कहाँ से ये सब लाते हैं आपका सैम्बल के अंदर से, या आपको ऐसे कॉपीराइट का निशान लगाना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि ये कॉपीराइट का निशान है, या फिर ऐसे आपको यहाँ पर बहुत सारा है डॉलर है यूरोप है, या फिर आप ज़्यादा मज़ीद देखना चाहते हैं तो मोर पे मोर सैम्बल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा दिखाता है, आप जौन सा चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं आपका। फिर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट दिखाएगा, तो आप किस बटन को दबाएंगे तो कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कहाँ पर आपका मोर सैम्बल पे जाते हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर सैम्बल्स, तो ये यह आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जैसे डॉलर का है, फिर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से क्लॉज। अब जैसे कि यहाँ पर डॉलर आ गया आपका, तो जो आपको चाहिए वो आप सैम्बल से लगा सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वसीम कंप्यूटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।